मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें, वर्ली में स्थित सॉफ्ट टच नाम के स्पा में बीती रात एक चुलबुल पांडे नामक शख्स की हत्या कर दी गई और बड़ी बेरहमी से उसकी बॉडी के पार्ट को अलग अलग किया गया। दरअसल मामला आपको बता दें कि ये जो चुलबुल पांडे था, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये चुलबुल पांडे पुलिस का मुखबिर था, जिसके चलते इसकी कई स्पाओं से दुश्मनी भी थी, कई लोगों से दुश्मनी थी। और आपको बता दें, 17 तारीख को चुलबुल पांडे का बर्थडे था, जिसके बाद चुलबुल पांडे सॉफ्ट टच स्पा में जाया करता था, जहां पर उसका एक 21 वर्ष की जो युवती थी उससे कुछ फ्रेंडशिप थी। तो चुलबुल पांडे ने 23 तारीख को अपने बर्थडे की पार्टी एक साइन में स्थित एक बार में दी, जिसके बाद चुलबुल पांडे, वो युवती और उस सॉफ्ट टच स्पा के 3 लोग जो थे वो चुलबुल पांडे के साथ में वहाँ पर जाते हैं और पार्टी ख़त्म करके 12:30 के करीब वो लोग वापस से वर्ली सॉफ्ट टच स्पा में रिटर्न आते हैं और जो 3 लोग थे वो अपने घर निकल जाते हैं और जो 21 वर्ष की युवती थी वो वहाँ पर रुक जाती है। और जब वो 3 लोग वहाँ से निकलते हैं और उसके उन लोगों के निकलने के बाद ही 2 अज्ञात लोग मौके पर आते हैं और स्पा के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद दरवाज़ा लॉक करके चुलबुल पांडे को धारदार हथियारों से वार करना शुरू कर देते, जिसके बाद चुलबुल पांडे की बड़ी बेरहमी से हत्या की जाती, उसकी मौत हो जाती। हम चुलबुल पांडे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चुलबुल पांडे की तस्वीर जो आप, हम इस तस्वीर को ध्यान से देखना, क्योंकि चुलबुल पांडे एक बहुत मशहूर था, क्योंकि पुलिस का मुखबिर था। ये ध्यान से देखिए, यही वो चुलबुल पांडे है जो कि पुलिस का मुखबिर था। चुलबुल पांडे पुलिस के साथ काम किया करता था, जो अवैध तरीके से स्पा चलाते हैं, स्पा में गोरख धंधा करते हैं, स्पा में जो गोरख धंधा करते हैं वो लोग जो थे, उन लोगों को चुलबुल पांडे पुलिस द्वारा स्पा पे रेड गिरा के उनका स्पा, जो गोरख धंधे वाला स्पा था, उसको बंद कराया करता था। इसके चलते चुलबुल पांडे की बहुत सारी स्पा वालों से दुश्मनी भी थी, लेकिन ये जो हादसा हुआ ये प्री प्लानिंग के हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि कि उन लोगों को कैसे पता कि चुलबुल पांडे उसी वक्त उसी स्पा में आने वाला है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस को जब तकरीबन 12:30 के करीब चुलबुल पांडे की हत्या कर दी गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ली पुलिस को 12 घंटे के बाद इसकी खबर मिलती है। वर्ली पुलिस दोपहर के 2 बजे वहां पर स्पा पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नायर हॉस्पिटल भेज दी जाती है। लेकिन उस युवती को पुलिस हिरासत में लेती है पूछताछ करने के लिए, और बाकी उन 3 लोगों को भी हिरासत में लिया जाता है पूछताछ करने के लिए, और उनसे कथित तौर पर पुलिस पूछताछ कर रही है। वर्ली पुलिस ने इस मामले में 3 टीम का गठन किया है और पूरे मुंबई में उन 2 अज्ञात लोगों के को छाना जा रहा है, और पुलिस इस मामले की सही तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि जो चुलबुल पांडे था वो पुलिस का मुखबिर था और बहुत ही पुलिस के साथ उसने बड़े बड़े काम किए थे, जैसे कि जो अवैध तौर पर स्पा चलाया करते थे, जो स्पा में गोरख धंधा करा करते थे, जो लड़कियों से स्पा में गलत धंधा करवाया जाता था। चुलबुल पांडे को अगर ऐसे स्पा की कुछ खबर मिलती तो चुलबुल पांडे पुलिस को टिप देकर उस स्पा को बंद कराया करता था, जिसके कारण बहुत से स्पा वाले भी चुलबुल पांडे के दुश्मन बन चुके थे। वर्ली पुलिस को, क्राइम ब्रांच को स्पा, ऐसे बहुत से स्पा जो चुलबुल पांडे ने बंद कराया उन लोगों का, अब उनकी जांच पड़ताल अच्छे से करना चाहिए, बहुत लोगों के नंबर निकाल के उनका CDR चेक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है कि एक पुलिस के मुखबिर को इतनी बेरहमी से मार देना, उसकी जान ले लेना। और सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है, उन 2 लोगों ने चुलबुल पांडे को ही मारा, उस लड़की को क्यों नहीं मारा, ये सवाल बनता है। फिलहाल इसी सवाल को लेके पुलिस ने उस युवती को, जो 21 वर्षीय है, उसे हिरासत में लिया है और 3 लोगों को भी हिरासत में लिया, और 3 टीम का गठन करके पूरे मुंबई में इसकी छानबीन कर रही है। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो लोग इस मामले में शामिल होंगे जल्द से जल्द उनको हिरासत में लिया जाएगा और उन 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई।